नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गौ रक्षा, गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक गौ रक्षा पद यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकलकर भारत के विभिन्न राज्यों और जिलों से होकर निकल रही है। इसी कड़ी में डबरा शहर में स्थित संजीवनी गौशाला में यात्रा पहुंची। यहां मौजूद गौ सेवकों और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बालकृष्ण गुरुस्वामी का पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया। तो वहीं यात्रा के दौरान संजीवनी गौशाला में एक्सीडेंटल और बीमार गौवंश को देखकर दुखी हुए और प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। गौशाला भ्रमण के दौरान गौवंश की दुर्दशा को देखते हुए अत्यंत दुखद जाहिर किया और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गौवंश के संरक्षण और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से अधिक समय से भाजपा की सरकार है लेकिन गौवंश के लिए आज तक कोई उचित कदम नहीं उठाया। इसके चलते आज गौवंश की दुर्दशा बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। इस मौके पर गौ सेवक बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं संजीवनी गौशाला में गौवंश का पूजन कर नगर में गौवंश के संरक्षण और सुरक्षा के लिए गौ रक्षा महापद यात्रा निकाली गई, जिसका नगर में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। तो गाय का प्रति हम ठहरते, गाय के रक्षा करते बोल के आपने बोला था, तो आप बराबर गाय के रक्षा करना बोल के मैं बोले तो उन्होंने भी नहीं महाराज बराबर करेंगे बोल के बोला। आज ये भाजपा का गवर्नमेंट यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, अभी महाराष्ट्र के सरकार जो है गाय को राष्ट्रमाता दर्जे होदा दिए, और हर राज्य में अभी मध्य प्रदेश में होना उत्तर प्रदेश में होना जो भी भाजपा का सरकार है, पहले आप गाय को राष्ट्रमाता बनाइए, गाय के रक्षा करिए, ताकि पूरा देश में सभी लोग अभी सभी राज्य में भी गाय के लिए एक बहुत बड़ा एक चेतना वाली आके सब मिलके गाय को